Doom, 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 doom. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अभी का सीन ऐसा है, अभी मैं अपनी मामा के साथ अपने छोटे भाई के ट्यूशन आया हुआ था। आधा घंटा हो गया यहाँ अंदर बैठे हुए को, तो मैं थक गया था, तो इसलिए मैं अब आके गाड़ी में बैठ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी मैंने गाड़ी का एसी चलाया हुआ था, तो गाड़ी का ना वो ज़रा इंजन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि खड़ी गाड़ी का नहीं ना अभी एसी चलाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी ज़रा गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है, अब मैं दोबारा चला लेता हूँ एसी, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। घर तो मैं पहुँच गया हूँ, और ये देखेंगे गेट भी खुल गया, अब गाड़ी अंदर कर लेता हूँ। पहले ज़रा थोड़ी पीछे कर लेता हूँ, अब लेके जाता हूँ आगे। मैं अभी गाड़ी तो गैराज में पार्क करके आ गया हूँ, और अभी मैं ये अपना अकेडमी का होमवर्क कंप्लीट करने लगा था, क्योंकि मेरा उस दिन ये कल ना एक क्वेश्चन रह गया था, ये वाला, ये जियोग्राफी का काम है। और उसके बाद मैंने इस्लामियत के लिए 4 क्वेश्चन करने हैं, ये टीचर ने 2 दिन से दिए हुए हैं और मैंने नहीं किए अभी तक, ये देखें। और इस्लामियत का कुछ रिवाइज भी करना है, फास्टिंग चैप्टर है वो, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मैं 11 बजे उठा था, और उठाया ही मामा ने इसलिए था कि अब्दुल मोहित की ट्यूशन टीचर ने कहा है कि आज मेरे से मिल के जाना है, ज़रूर आना है, क्योंकि उसके बारे में कोई बातचीत करनी है, उसकी परसेंटेज भी नहीं ना इतनी अच्छी आई, तो इसलिए। और अभी मामा ब्रेकफास्ट बना रही हैं, वो करना है, उतनी देर में यही काम कर लेता हूँ। अभी मैंने अपना होमवर्क वगैरह तो कर लिया। ये देखें बैग मैंने अपना बंद कर लिया, क्योंकि मेरे ट्यूशन का भी टाइम होने लगा है, 5-10 मिनट तक रिक्शा आने वाला है। वो अभी भी रिक्शा आया था, मगर मैंने उसे कहा अभी 5-10 मिनट बाद आए। अभी मैं करने लगा हूँ लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम गुजर गया है। ये भी स्कूल से आ गया, अभी भी आया, और ये देखे आते साथ फ़ोन पर लग गया, फ़ोन पर ये टिकटॉक देख रहा है, और बेडशीट का देखिए इसने क्या हाल किया है। शोखा क्यों मुझे कहेगा, शोखा कहेगा स्कूल से अभी पत्ते मार नहीं रहा, ठीक है, वरना मारना मार। लंच तो मेरा आ गया, मैं करने लगा हूँ अपना लंच। लंच में है साग, दही और पराठा। अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, और मेरा रिक्शा भी आ गया, अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन अपने। अकेडमी तो मैं अपनी पहुंच गया हूं, और अभी मैं जा रहा हूं अंदर पढ़ाई करने, पढ़ने। अभी मैं अपने 2 पीरियड्स तो लेके आ गया हूं, एक पाक स्टडीज़ का, एक इस्लामियात का। अभी मैं जा रहा हूं केमिस्ट्री फिजिक्स के पीरियड लेने। आ जा आदम, चले आ जा, इनको दे, अजाले अभी दे रहे हैं, अभी का टाइम है, इधर बच्चे खेल रहे हैं अपना फ्री पीरियड में। और ये हमारा बाबा है, बाबा इधर अंदर आए हैं, तो इधर कोई है ही नहीं, ना सर है, और बच्चे भी नहीं आए, 2-3 बच्चे आते हैं माशा, तो भी नहीं आए, और हम बाहर जा रहे हैं देखने सर कहाँ गए। अभी टाइम भी 15 मिनट ऊपर हो गया, मगर अभी तक पता नहीं अब सारे कहाँ हैं। अभी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारे सर आ गए हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं पढ़ने, बैग डाल लिए हैं, वो देखे ये भी आ रहा है अपना बैग वगैरह लेने, तो फिर जा रहे हैं हम सर से पढ़ने। अभी हमने फिजिक्स की स्टडी तो कर ली है, अभी हम जा रहे हैं मैथ करने, ये देखते हैं ये हमारी क्लास का खंबा। हाँ जी बाबा जी, ठीक हो? अभी ये जा रहा अंदर पानी लेने, जल्दी लेके आओ, पैसे हैं ना, ये ज़रूरत है। बराबर बराबर बराबर, मेरे पास भी है नहीं पैसे, तो इसके पास काफ़ी है, जल्दी लो जल्दी लो, मैथ का भी टाइम हो गया है।
मुझे प्रिंगल्स लेके दो मैगी दो सी ले लो काफी है तो ये वाली एकेडमी जहाँ पे हम मैथ करते हैं अभी हम एकेडमी तो पहुँच गया ये देखिए ये बच्चे हमने मैथ तो पढ़ लिया है और अभी बस ऋषि का इंतज़ार हो रहा है ये बाहर एक कोस्टर खड़ी है ये एक बच्ची को लेने आई है साल का भाई है और ये मेरा दोस्त है अब्दुल रहमान ये वो शर्मार है ये देखिए घर तो मैं पहुँच गया और अभी मैं दरवाज़ा वगैरह खोल रहा हूँ अभी मैं अपना बैग तो घर रखा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के घर कज़न का घर भी करीब ही है ये दो तीन गलियाँ छोड़ के उसका घर आ जाता है पास ही उसका घर है तो इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं मगर बस यहाँ पे ना कभी कभी कुत्तों का डर होता है यहाँ पे ना कुत्ते बैठे होते हैं फिर ना वो पीछे पड़ जाते हैं वो दिखे आगे बोल भी रहे ये बस डर वाली चीज़ है ये अभी मेरा छोटा भाई भी पीछे पीछे आ गया ये देखे इससे वो ये देखे अब उधर को जाने लग गया पहले इधर आया था ये एक डॉग इधर चला गया अब मैं आगे जाता हूँ अब आगे एक दो की बस बोल रहे हैं नहीं मगर हमें नहीं पड़ता इतना वो क्योंकि वो बस कोई अगर कोई अननोन बंदा इस कॉलोनी में है तब वो उसे ही पड़ता है आराम से आ डोगी है वो भगा रही है पीछे भी पड़ सकता था वो ये कज़न के घर तो पहुँच गए और ये देखेंगे दरवाज़ा लॉक कर रहा था ये देखें अंदर से आ रहा है जल्दी आज मंदिर वाला खोल खोल यहाँ भी ये नेबर्स का बच्चा लाया हुआ है वो रो रहा है घट जा रहा है घट जा रहा है ये दे दो मुझे ये कह रहा मैंने भी अंदर जाना है अब ये रो रहा है क्योंकि इससे दरवाजा नहीं खुल रहा अब दरवाजा खोल दिया ये भी अंदर चला गया ये देखिए इसे फिर से निकाल रहे देखिए ये देखिए वो आया ही नहीं ये खुद आ गया बाहर वो देखिए वो कार साहब उसे कह रहे हैं बच्चों को कि रहने दो इसे ना बाहर निकाल ले क्योंकि ये रो बहुत रहा है वो सारे अपना सबक सुना रहे अभी कार साहब को और ये उससे बलून छीन लाया पानी भरने के लिए गया था अभी हम निकाल लेंगे अपनी रेसिंग साइकिल बाहर पहले आपको इसका ज़रा पूरी सही तरह दिखा देते हैं ये है हमारी रेसिंग साइकिल अब हम इसे निकालते हैं बाहर धूम 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 ये हमारी रेसिंग साइकिल का ना ज़रा वो ख़राब हुई है छोटी हुई हमारी चले इसके बाद में से हम चलाएंगे इसे यहाँ पर रख देते हैं कैसे करते हैं ठीक चलो आ जाओ भाई कुछ वो खराब हो गई है चलो पैसा ला के दो भाई को ठीक करवा के दो उधर से चलो मैकेनिक के पास लेके जाओ अब क्या करना है फिर चलो वो चले गए छोड़ के वो कहते खराब हो गया मैंने नहीं लेना भाई मज़ा आया वो लोग तो अभी कार साहब से पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री नहीं है तो अभी मैं जा रहा हूँ घर डिनर करने क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो इसलिए मैं डिनर करके वापस आ जाऊँगा फिर यहाँ पे कोई खेल लेंगे और हमारी वैसे भी आपने देख तो ली होगी कि स्पेशल जो हमारी साइकिल थी वो भी अभी ख़राब है अकेडमी से आके मैंने ये फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था छोटा इसकी बैटरी चल सकते अभी कितने परसेंट चार्ज हुई है अभी सिर्फ ये चार्ज हुई है 20% काफ़ी देर है अभी ये डिनर तो आ गया है मतलब कि डिनर तो नहीं इसके बाद भी बहुत कुछ खाना है ये इसमें अभी स्ट्रॉबेरी चावल और साथ दाल डिनर तो मैंने कर लिया है और साथ गरम गरम दूध का ग्लास भी पी लिया था जिससे गले का सुकून मिल गया अब मैं वापस आ गया हूँ इधर क्योंकि अब तो उन लोगों ने कुरान पाक पढ़ भी लिया है मैं घर तो आ गया था और अभी मैं अपने नेल काट रहा था
नेल्स तो मैंने अपने सारे दोनों हाथों के काट लिए हैं क्योंकि कल जुमा भी था, और अभी यहाँ पे एसी चला ली है क्योंकि अभी सर्दी का मौसम, मतलब कि एसी का मौसम आ गया है, गर्मी आ रही है। पहले तो एसी जून जुलाई में चलता था, मगर अब पहले चलाने का ज़रा मौसम आ गया है। अभी तो 16 भी चला है, जब थोड़ी ठंडक हो जाएगी तब इसे 26 वगैरह पर कर देंगे या बंद कर देंगे। तो अभी मैं लगा हूँ सोने और व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। खुदा हाफिज़।